आसमा चौधरी। नाज़रीन, जब से मेमो स्कैंडल शुरू हुआ है हम उस वक्त से यही कह रहे हैं कि मंसूर एजाज का किरदार कुछ ऐसा ही लगता है कि ये मेमो के साथ साथ ये इस वक्त गले में फंसी हुई एक हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं कि जो ना निगली जा रही है ना के उगली जा रही है। अब मौसूफ की जानिब से एक नया लॉग भी सामने आ गई है जिसके मुताबिक उन्होंने वाजह इशारा किया है कि सदर आसिफ अली जरदारी 2 मई एबटाबाद ऑपरेशन के हवाले से ऑन बोर्ड थे और कुछ उंगलियाँ उठाई हैं उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से भी कि वाजह कोऑर्डिनेशन दोनों के दरमियान मौजूद थी और ऑपरेशन की लम्हा बलम्हा रिपोर्ट भी इस हवाले से उनका ये कहना है कि उन लोगों को इस चीज़ का पता था। बात करें हम मेमो के हवाले से, मेमो से ये वाकया जो ताल्लुक जुड़ता है 2 मई और 2 मई के साथ ये नई लॉग भी सामने आ गई है, इसकी क्या हकीकत है, क्या इस लॉग के हवाले से भी कोई वाजिया डील हो जाएगी या कुछ अंडरस्टैंडिंग मौजूद होगी या नहीं होगी, और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि मेमो कमीशन पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरअंदाज होगा जबकि अब सेनेट के इलेक्शंस हो गए, बहुत अहम केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। जिक्र करते हैं तौहीन अदालत केस का, असगर खान पिटिशन भी मौजूद है और एबटाबाद कमीशन का भी फैसला आना है। इस हवाले से ये जो अहम केसेस इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं और साथ साथ सेनेट इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की जिस तरीके से पता भी हुई और अब वो कह रहे हैं कि आधी हुकूमत उन्होंने पहले से बना ली है और तब्दीली लाने वालों को उनके पास आना होगा। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में खसूसी तौर पे हमारे साथ शिरकत करेंगे शेख रशीद अहमद साहब, उनसे पाकिस्तानी सियासत में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे और 2 मई के वाकयात का उनको क्या इल्म है और क्या वाजह कोऑर्डिनेशन मौजूद थी आर्मी चीफ और सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान, बहुत सारे अहम मामलात जिन पर हम शेख रशीद अहमद साहब से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत गहरी नजर पाकिस्तान की सियासत में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से और मुस्तकबिल की कुछ खास सियासी पेशन गोइयां भी आज के प्रोग्राम में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले 2 मई के वाकयात की अगर हम जिक्र करते हैं कि ये पाकिस्तान के सरबराहान को इसका इल्म था या नहीं था, शेख साहब से हमने कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू किया, उसमें उनका उस वक्त क्या कहना था, इसी से हम रिलेट करेंगे, इसी क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि उस वक्त उनका क्या कहना था और आज इस हवाले से वो क्या कहते हैं। इस मेमो का तल्लक ही 2 मई के वाकये से है, वरना इस मेमो की कोई हैसियत नहीं है। 2 मई के वाकया में बाज अहबाब ऑन बोर्ड थे किस जगह होना है और तो किसी निक्सन को तो पता था ना, देयर इज अ सिंगल फेस बिहाइंड द केस। आपने सुना कि शेख रशीद साहब ने कहा कि किसी निक्सन को तो जरूर पता था 2 मई के वाकयात का। निक्सन कौन थे? प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो फिर सर यहाँ पे प्रेसिडेंट की जानिब भी खुरा जाता है, मैं बार बार आपसे उस वक्त ही यही पूछ रही थी, तो आपने कहा किसी निक्सन को जरूर पता था। देखिए, इस मुल्क की सियासत में और कौन मैटर कर रहा है, और ये बड़ा सीरियस केस था और इसकी बुनियाद ही 2 मई है। मेमो गेट की जीरो हैसियत है, इसकी हैसियत है कि गवर्नमेंट वाज ऑन बोर्ड ऑन 2 मई इंसिडेंट। और मैं इससे बहुत आगे बात कहता हूं, मैं ज्यों मरूं रहूं मेरी बात पे कौम यकीन ना करे ना करे, जो मर्जी करे, जेम्स जॉन्स इसमें ऑन बोर्ड है, मैकमोलन उनको बोर्ड है, मे बी व्हाइट हाउस बोर्ड है, जब इतने सारे लोग टीवी पे लाइव देख रहे हैं और उनमें से जिस आदमी पे उनको था कि ये ऐसा है उसको उन्होंने ऑफ बोर्ड किया, इतनी सारी कौम दुनिया को दिखाया कि ये हम लाइव देख रहे हैं, ये सारे वाकये में हो नहीं सकता। ईरान में एक दफा 2 हेलीकॉप्टर उतरे थे जो आपस में टकरा गए और जो ईरानियन एम्बेसी से मुआद निकला था वो दुनिया तारीख का CIA में सबसे ज्यादा सीक्रेट डिस्क्लोजर था, उसमें पाकिस्तानियों के भी बड़े बड़े फने खानों के नाम थे जो CIA के लिए काम करते हैं। अब मैं कहूंगा तो वो नाम ले रहे ना, अभी छोड़ो जी, अभी है नहीं, एक प्रोग्राम करेंगे, मुझ पे कई कर्ज चढ़े हुए हैं, एक दिन जिंदा रहा तो उधार उतारूंगा। तो ये प्रोग्राम करेंगे CIA के लिए, उस वक्त उस जमाने में किस किस सहाफी के नाम निकले थे, सियासतदानों के नहीं थे, सहाफी थे, तो वो आज एंकर्स भी हैं। बट मेरा मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नामवर लोग हैं आज की दुनिया में, सो आना चाहते हैं 2 मई के वाकया में। जनरल कियानी ने, जो एक्स जर्नल्स हैं, एक्स आर्मी में तो आपको पता है एक्स का भी एक पूरा क्लब होता है, बिल्कुल, उसमें खुताब करते हुए ये कहा कि एट लीस्ट आर्मी वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस इंसिडेंट। लेकिन मैं एक सवाल जरूर जहन में रखता हूं, जिस आदमी ने वो लोकेशन देखी है एबटाबाद की,
जो आदमी ककूल अपनी जवानी में भी गया हो या जिसके दोस्त यार हो या जो हमारी तरह आवारागर्द किस्म का आदमी हो, ही कैन रियलाइज कि उस रोड पे कितने कितने अहम ऑफिस हैं। अगर इतने अहम ऑफिसों में वहां अंधे और हाफज बैठे हुए थे, अगर वहां ऐसे लोग बैठे हुए थे जिनकी नजर कमजोर है और वहां 11 माफ करना बकरियां निकलती हैं, वहां 10-11 बच्चे रहते हैं, 3 बीवियां रहती हैं, 52 मुर्गियां रहती हैं, और मेरा मतलब है जाहिर है सबको पता था। आप कह रहे हैं ये नहीं कहना चाहता, मेरा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आप ये सवाल उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन क्या किसी को पता नहीं था कि वहां पे उसामा रहता था? मैं ये कह चुका हूँ, मैं आपने जो क्लिप दिखाया है उस पर स्टैंड करता हूँ, किसी ना किसी निक्सन को पता था। इतनी गंदी, इतनी इतनी छोटी गेम नहीं थी ये, माफ करना। मैरीन, अगर यहां जहाज 2 मैरीन गिर जाते, इस दुनिया की सियासत का नक्शा बदला होता। और सेकेंडली, मैं 2 मई 5 मई से उसके 9 मई तक की सारी जो मेमोगेट की हिस्ट्री है, ये 8 दिन की हिस्ट्री है, और ये मेमोगेट मैं ईमान की हद तक कहता हूं, कल मंसूर एजाज बिक जाए, मैं उसका ठेकेदार नहीं हूं ना मैं जानता हूं। कल मंसूर एजाज देखें, ये सारे एजेंट जो है, जरूरी नहीं हुसैन अकानी सिर्फ पाकिस्तान का एजेंट होगा या सदर जरदारी के लिए, ही मस्ट बी डबल एजेंट ऑफ ऑफकोर्स। इस दुनिया में देखें ना, जो लोग हैं, मतलब एक उधर से भी आप बुरा बात मनाएंगी, दुनिया में नामवर साफी बनने के लिए भी एजेंसी के लिए अंडर इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कुछ नाम ऐसे हैं, शायद उनको आप साइड पे रख दें। बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने एजेंसी में मंसूर एजाज मीडिया ओरिएंटेड लोग हैं। मीडिया जिंदा नहीं रहता जब तक उसको लीकेज ना हो। मैं खुद 4 दफा वजीर रहा हूँ, हमारे भी ब्लू आइड होते थे जिनको हम लीक करते थे कि भाई ये खबर खामोशी से खींच दो। सो इन ए वे 2 मई का वाकया जो है वो एक हकीकत का और मेमोगेट एक हकीकत है। और जब आपने कबूतर ही उड़ा दिया अदालत ने, मैं तो अदालत को कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, अदालत को आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप इस अदालत की इज्जत और तकरीम की हमेशा बात करते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें, नई लॉग जो सामने आई, इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है इसमें, कितनी ऑथेंटिक है आपको लग रही है, ये ऑथेंटिक है या नहीं? देखें, मंसूर एजाज बड़ा थर्ड ग्रेड आदमी होगा, लोग कहते हैं। उसने कहा जी ये है मेरा, वो क्या कहते हैं, ब्लैकबेरी, ये है मेरी ईमेल, ये है मेरा कोड वर्ड, सामने ले आओ, बात खत्म हो जाती है। देखिए ये केस एज सिंपल है, कौम को वैसे ही हमने बेवकूफ, उन्होंने कहा ये है मेरा ब्लैकबेरी, ये है मेरा कोड वर्ड, ये है मेरी ईमेल, हुसैन अकानी को यहां वो तो पिन नहीं दे रहे, हुसैन अकानी अपना पिन नहीं दे रहे, चोर नहीं देता ना, चोर ही नहीं देता, वो चोर है, उसके दिल में चोर है। और इस मसले को सारों ने सेटल कर लिया था, ये मसला खराब कोर्ट में जाने की, कोर्ट में जाने की वजह से आप कह रहे हैं मसला खराब हुआ। यहाँ यही पॉइंट उठाऊंगी, ये जो मंसूर एजाज की जो स्टेटमेंट आई, उसके बाद दोनों जानिब से ISPR ने कहा, ऐवान सदर ने कहा कि कोई कोऑर्डिनेशन या ऑन बोर्ड नहीं थे, इनको नहीं मालूम था इस ऑपरेशन। आप इस वजाहत से मुतमईन हैं? मैं मुतमईन हूं, क्योंकि जितना जबरदस्त आर्मी में रिएक्शन था नेक्स्ट डे गैरिजन में, जितना जबरदस्त रिएक्शन था, अगर आर्मी ऑन बोर्ड होती तो यकीनन इस पे नजर होती। मेरा ख्याल है आर्मी ऑन बोर्ड नहीं थी, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट को पता था। तो क्या ये 2 मई के वाक्य, मेमो को तो एक तरफ रखते, वो रिलेट तो करता है 2 मई से, क्या 2 मई के वाक्य पे कुछ मुकमुका हो गया सिविलियन गवर्नमेंट एंड आर्मी के दरमियान? देखिये मामलात तो ऐसे हैं कि हर आदमी मुकमुका कर रहा है। 18 करोड़ लोगों को मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाकी ये सारे सियासी हिजड़े बाहर नाच रहे हैं, दो आना है, रुपया है, 10 रुपया। हर आदमी की एक कीमत है, किसी की कीमत है सेनेट की सीट, किसी की कीमत। देखें आज मैं आप आसमां, बड़े दिनों बाद आया हूं मैं, आज आप कौम को एक बात बताना चाहता हूं। इन्होंने जेल में कॉन्फ्रेंस रूम बनाया हुआ था, इनका मास्टर प्लान जो था अडयाला जेल थी, मुझे मुझ पे केस करे, आई विल प्रूव, लाखों रुपए लगा के इन्होंने अडयाला जेल में कॉन्फ्रेंस रूम बनाया जिनमें सारी स्ट्रेटजियां। एक दिन मैं, मेरे पास वक्त नहीं होता, जितने देर यूसुफ रजा गिलानी जेल में रहा है, और जो वहां ड्रग माफिया के लोग रहे हैं, जो वहां डॉलर चोरी करने वाले लोग रहे हैं, जो जाली कप्तानी के रूप में रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया बनाया, उनकी उस वक्त की, इसके साथ मैं खुर्रम रसूल या आतफ कियानी या इन लोगों के, छोटे लोगों के नाम और ख्वाजा अदनान के नहीं लेता, मैं बम फाड़ दूंगा। मैं तो सोचता था कि इलेक्शन आ रहे हैं उस वक्त बात करूंगा, मैं एक एक दिन फुलझड़ी छोड़ूंगा अगर मुझे मरवा ना दिया इन्होंने। आई विल प्रूव दैट दिस गवर्नमेंट इज द मोस्ट करप्टेस्ट गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। वो करप्ट गवर्नमेंट है आर्मी के साथ, इस करप्ट गवर्नमेंट की देखें अगर आर्मी क्या करती, मुकमुका हो जाएगा। देखें आर्मी क्या करती, अगर आर्मी कोई साफी आर्मी का साथ देता,
मुझे बताएं, इस पाकिस्तान का एक साफी है, ये बदबूदार जमहूरियत के साथ हैं सारे, इस चोर जमहूरियत के साथ हैं। अगर एक आदमी, एक फौजी इस जमहूरियत के खिलाफ निकलता, मारवाए कानून बात करता, कोई पाकिस्तान का चैनल उसका साथ देता? जी आप भी तो बहुत बड़ी सियासी पार्टी हैं, आपसे बड़ी पाकिस्तान में कोई सियासी पार्टी? मीडिया सियासी पार्टी हो गया। ऑफ कोर्स मीडिया, देखें मीडिया ख्वाहिश पे खबर बनाता है बाज जगह जहां बनानी हो। इस मुल्क में किसी एक मीडिया मैनेजर का नाम लो, 18 करोड़ लोगों के दिलों में बड़ी ख्वाहिश होगी, और आप बड़ी खिदमत कर रही हैं इस कौम की कि लोग रात खुशी से सोते हैं, यार हमारी बात कोई तो कर रहा है, हमारी बात कोई तो कर रहा है, चलो हमारी बात कहीं तो हो रही है, वरना लोग कुछ और करते। अगर फौज का ना इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर था, ना माहौल था, अल्टीमेटली उन्हें इलेक्शन कराने पड़ने थे, और इलेक्शन देख लें, ये लोगों ने सब ने कुत्तियां चोरों से मिली हुए हैं, ये सियासी कुत्ते चोरों से मिल गए हैं, इन्होंने सेटिंग की है। 18, 19, 20वीं तरमीम में एक चीज गरीब आदमी के हक में है, तो मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूं। आए आपके प्रोग्राम, ये लॉग ऑथेंटिक है यानी हाँ या ना? मुझे नहीं पता, मैं इसका, देखें मुझसे सियासी बात कर, मैं हाँ ना, मैं मतलब आप इसको बीच में रखें, आसान काम नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मेमू गेट इज अ ट्रू केस, 2 मई के वाकया का इलम था, लॉग क्या है क्या नहीं है मेरे साथ, मैं टेक्निकल, लेकिन इस पे तो इस मुल्क में अब टेक्निकल लोगों की डिमांड है, जो कंप्यूटर को समझते हो उनकी डिमांड होगी, दूसरों के पासवर्ड तोड़ सकते हो। करारदाद मंजूर की कि ये हमारी इज्जत तकरीम के खिलाफ था, ये ना मामला, क्या पार्लियामेंट, क्या इज्जत तकरीम, क्या पार्लियामेंट, क्या इज्जत तकरीम। देखें एक आदमी ने पंजाब में लगारी ने 2 वोटों से दरे, उसने बताया इन्होंने किसी एमपीए पे एतमाद नहीं किया वो वोट डाले, हर चीज यहां बिकती है, शेख रशीद समेत हर चीज पर सेल है, शेख रशीद समेत हर चीज पर सेल है। 18 करोड़ लोग समझें कि ये 5 गैंग ऑफ 5 फैमिलीज का कब्जा ग्रुप है, और यही चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें, कोई दूसरा ग्रुप ना आए, कोई इनके इक्तदार पे हावी ना हो, और ये सबकी अपनी अपनी मोनोपोली। अगर इस पे ये लॉग पे अगर हम दोबारा आ जाते, मियां साहब क्यों खामोश है? मेमो पे तो वो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो इस लॉग पे मियां साहब क्यों खामोश है? खामोशी कुछ खास वजह आपको लग रही है उनकी? देखिये मेरी जाती राय है कि मियां साहब सऊदी अरब से आने के बाद जो उनकी रिवायती सियासत थी उनसे वो हटकर खेले, वो अनडिसाइसिव, उन्होंने हाथ आसमान पे भी रखे हैं, पांव जमीन पे भी लगाए हैं। अगर वो जिस तरह गंडासा लेकर सियासत में निकलते थे आज निकलते तो नवाज शरीफ की धूल को कोई ना पकड़ सकता। जब मैं कहता था कि मियां साहब आप सब लोगों को, मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करो, आपकी क्यादत को कोई चैलेंज नहीं होगा और इस मुल्क में बेहतरी आ जाएगी, आज वो एक एक बंदे की सफाई दे रहे हैं, आज उन्हें जनरल मुशर्रफ के स्टाफ की भी सफाई देनी पड़ रही है, सफाई देनी पड़ रही है, तो वो फिर उन्होंने माफ नहीं कर सकता। अगर देखें आज वो चौधरी शुजात को कहते हैं कि कौम से माफी मांग ले, माफ करना, इस कौम में हर फर्द ने फौज का साथ दिया है, इस कौम ने 1948 से लेके अयूब खान से लेके अयूब खान के वक्त सिर्फ एक सिविलियन मिनिस्टर था जिसका नाम था जुल्फकार अली भुट्टो, और वो भी नुसरत भुट्टो की वजह से या नाहिद मिर्जा की वजह से उनकी एंट्री पड़ी, आज ये बड़े चैंपियन बन रहे हैं लोग। सो फौजियों में भी पीआर चलती है। सो मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बदलते हुए हालात को समझ नहीं पा रहे, उनके साथ बेसिस की, पल्स की उनके पास रिपोर्ट नहीं है। पल्स की रिपोर्ट ये है कि आवाम मुस्लिम लीग नून को इकट्ठा देखना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को इकट्ठा देख रहे हैं। मैं आपकी ख्वाहिश पे खबर नहीं बना सकता। देखे ना आसफ जरदारी जब जरूरत पड़ती है वो इस्तेमाल कर लेता, तो मेरी, मैं किस चीज का पॉलिटिशियन हूं? What kind of politics? चौधरी शुजात के लिए उन्होंने कहा कि माफी मांगे, चौधरी साहब ने उसकी वजाहत कर दी, 15 साल पहले वक्त होता है, सियासत में वक्त होता है। नवाज शरीफ के साथ आप जा रहे हैं, आपसे कोई रابطे हुए सुना, रابطे हुए, और चौधरी निसार भी राजी थे, लेकिन कुछ पिंडी की कोई पिंडी का कहीं का मसला नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा। अवामी मुस्लिम लीग के कलम दुआत के सीट से 20 सीटों पर अवामी मुस्लिम लीग इलेक्शन लड़ेगी, जीत हार अब मेरा मसला नहीं रह गया, पहले भी मैं हरा हुआ आपके सामने हूँ, जो अल्लाह ने इज्जत मुझे इन्होंने हरवा के दी है, शायद ये जीत के मेंबरों को हासिल नहीं है। लेकिन किधर जाएंगे? जाएंगे कहाँ? सुनामी की लहरों में जाएंगे या सुनामी की लहरों को गर्क करने वालों के साथ जाएंगे? मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ जाऊंगा, एक हल्के की कैद में नहीं रहूंगा, अपने जमीर से फैसला करूंगा और अनकरीब करने वाला हूँ। 5 दिन पहले अगले फैसला करना है, 5 दिन बाद, मैं अगर गलत नहीं हूँ, 5 दिन बाद फैसला कर रहे हैं कि 9 मार्च को आपने किस पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है। देखें दोनों पार्टियों की तरफ से मुझे ग्रीन सिग्नल है, ठीक है, मैं 2 दिन की सियासत नहीं करना चाहता,
मुझे इन पे पूरा यकीन है कि ये बहुत मास्टर प्रिंट स्ट्रोक खेलने वाले हैं। ये मास्टर वो होता है ना सीडी, एक मास्टर, ये आसफ जरदारी का प्रिंट जो है मास्टर प्रिंट है, ये इनको फिर धोखा देगा। किसी को कह रहा है छोटी ईद के बाद, किसी को कह रहा है बड़ी ईद के बाद। अगर ये अगले मार्च में इलेक्शन ले जाते हैं तो मेरे पास तो इतने वसायल नहीं है कि मैं कल इतहाद करूं और गली गली जलील हो रहा हूं। मैं जीतूं या हारूं ये अल्लाह सुभान ताला को पता है, लेकिन इस मुल्क में हर चोर और लुटेरे की इस तरह दौड़ लगाऊंगा जिस तरह जिमनी इलेक्शन में पंजाब के वजीरों की लड़वाई। जाएंगे किसके साथ? जिस जिमनी इलेक्शन में दो बार नवाज शरीफ साहब को आपने पिंडी बुलवा लिया कि वो आके उन्होंने आपके खिलाफ तकरीर की, जाएंगे किसके साथ? इमरान खान, नवाज शरीफ? इमरान खान, नवाज शरीफ? नहीं, ये मैं इतना बोला, इमरान खान, नवाज शरीफ? देखें, ऑफकोर्स इन दोनों में से किसी एक के साथ इत्तेहाद करूंगा, जाऊंगा नहीं किसी के साथ। आप भी आम अगेन सिंह नहीं, मैं शाह महमूद नहीं हूँ, ये शाह महमूद नहीं हूँ कि मैं एक दिन नवाज शरीफ के पास जाऊंगा और दूसरे दिन जाके इमरान खान के साथ बात करूंगा। मैं जिसके साथ जाऊंगा उसको लाल मिली में बुलाऊंगा, कहूंगा अवामी मुस्लिम लीग इत्तेहाद कर रही है और हमारा इससे सेटलमेंट हो रही है। मैं डबल स्टैंडर्ड का आई एम नॉट व्हाट आई एम, कि हफ्ता पहले मैं नवाज शरीफ के उस महल में चला जाऊं, दस दिन बाद मैं इमरान खान को जो है कहूं कि नो 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 नो, आई एम ए वन वे ट्रैफिक। मैं किसी पार्टी में शामिल होकर उनके लिए मसला नहीं पैदा करना चाहता। मैं अवाम में जाऊंगा, अवाम को कहूंगा कि अगर शेख रशीद असेंबली में होता तो आज उनकी आवाज होती इस तरह गुंगे लंगड़े बैरे। और पहले भी पांच बार आप इस असेंबली का हिस्सा, सात बार रहे, लेकिन इस मुल्क के अवाम की तकदीर नहीं बदली। मैं शेख रशीद, मैंने बदली, आप ठहरे आसमा, हमने 24 ट्रेनें चलाई, इन्होंने 124 बंद की। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा, इंडस्ट्री का हाल देखें, मैं ओवरसीज का मिनिस्टर रहा, चार दफा दुनिया के ओवरसीज को लाए। अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी कहे कि शेख रशीद ने टेडी पैसा चंदा भी लिया हो तो मेरी बड़ी अहम बातें करें। और अगर मैं ठहरे मैं कल्चर स्पोर्ट्स एजुकेशन, आप देखें क्या मसला था, किसने ये रेट बढ़ाया, किसने ये चैनल दिए, ये 87 चैनल, एक चैनल पे मैं जाऊं उसमें कामयाबी है, जहां मेरी किट लग रही हो उसकी भी कामयाबी है। यानी इस मुल्क में आप देखें कि ये 87 चैनल जो है, और जो मैंने 7 वजारतें की हैं, ऑन चैलेंज चैलेंज करता हूं, अगर किसी जगह ये साबित हो जाए कि जात का काम किया है तो मुझे चौंक में लटका। बिल्कुल, बड़ी अहम बात करें शेख रशीद अहमद के साथ, हम बात करें पाकिस्तानी सियासत के हवाले से और इनके मुस्तकबिल पे भी हम बात करें कि किस पार्टी में जाएंगे। और शेख साहब का ये कहना कि जो कहीं आएगा इत्तेहाद करेंगे, लाल हवेली चलकर आएगा, मैं इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करूंगी। और बहुत जो अहम केसेस लगे हुए इस वक्त कोर्ट्स में उस पर भी बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। शेख रशीद अहमद से पाकिस्तानी सियासत के हवाले से दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शेख साहब, मेमो पे मुख्तसर बताइए, डील हो गई, मुकमुका हो गया आर्मी? देखें, मेमो को पहले दिन ही जब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जनरल कियानी और पाशा बैठे, डील हो गई थी, डील नहीं कहना चाहिए, तय हो गया था, मुकमुका गैर पार्लियामेंट, यानी उन्होंने तय कर लिया। हुसैन अकानी, उन्होंने कहा सवाल करें, उन्होंने कहा जी अच्छा नहीं लगता प्राइम मिनिस्टर या फिर एफिडेविट क्यों दिए गए? ये कागज का टुकड़ा है। देखिए मेरी बात सुने, जब नवाज शरीफ साहब कोर्ट में गए और कोर्ट ने ऑर्डर किया जनरल पाशा को, जनरल पाशा ने ट्रू स्टेटमेंट की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसको एंडोर्स किया, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। लेकिन ये बात तय हो गई थी कि बस इस पर अब ज्यादा मिट्टी पाओ, चौधरी शुजात साहब कहते हैं ना मिट्टी पाओ, मतलब खत्म मिट्टी डाल दिया था। लेकिन फिर वो उसको नई एक होप मिली, आप मीडिया ने भी इसको बड़ी हाइप दे दी। हर वक्त लोग एक खबर सुनना चाहते हैं कि इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं से निजात मिले किसी तरीके से, क्योंकि आप कहते हैं आईन से मिले, आप कहते हैं कानून से मिले, आप कहते हैं जनाब अली अदलिया से मिले, आप कहते हैं जनाब अली असूल और जाब्तों से मिले, ये टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। सीधी उंगली से निकालने की कोशिश, मुझे ये बता दें उसामा का घर क्यों गिराया गया, गिराया गया और किसके कहने पर गिराया गया? गिराया गया तो मैंने पख्तून का हुकूमत से पूछा, उन्होंने कहा हमने ये कहा कि इसको गिराया जाए, और वहां जो हालात बन रहे थे, मेरे ख्याल हुकूमतों की मजबूरियां हो जाती हैं, जिस तरह लोगों का उधर ट्रेंड था और दुनिया में से लोग आ रहे थे और फिल्में बन रही थी, शायद हुकूमत की मजबूरी, हुकूमत की मजबूरी, किसी के कहने पे नहीं गिराया बाहर से, जैसे अमेरिकन ने कहा ओके गिरा दें, ऐसा अपनी मुसीबतें ही हमारी बड़ी हैं, हमें बाहर कौन कहेगा। जनरल पाशा का आप जिक्र कर रहे हैं, पहले दिन से आप कह रहे हैं कि तय हो गया था, क्या वजह चौधरी निसार जनरल पाशा के खिलाफ बोल रहे हैं कि सबूतों के साथ वहां जाएंगे, और रहमान मलिक साहब भी कुछ उनके खिलाफ है, एक्सटेंशन मिल रही है जनरल मलिक साहब? बादशाह आदमी है, हमारे दोस्त हैं, क्या पिद्दी का शोरबा क्या बेचते हैं रहमान मलिक साहब? रहमान मलिक साहब ने एक दिन एक बड़े अखबार के इजलास में कहा,
कि आईएसआई को रहमान मलिक साहब के इंटीरियर, आपको पता है इंटीरियर अंडर कर रहे थे, मैं उस फोरम में मौजूद था, रहमान मलिक साहब बैठे थे, मैंने कहा मलिक साहब इतवार बाजार तो आपसे संभाला नहीं जा रहा, आईएसआई 11,000 ड्यूटी जर्नैलों को आप संभालने जाएंगे, ए से लेके एफ और डी और एस और जर्नैल आप संभालने जाएंगे, को खुदा का खौफ करें। और जहां तक जो निसार का मसला है, उनके वालिद की मौजूदगी में एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था बड़े चौधरी साहब ब्रिगेडियर साहब को कि जो बेटा आपने फौज में भेजना था वो सियासत में भेज दिया और अच्छा। जो सियासत में भेजना था वो फौज में भेज दिया। सो इन्हें वे देखें, अगर पाशा साहब का मसला जो है इसको पता नहीं हमारा क्या मसला है, क्या जो पाशा साहब के अलावा आएगा वो जनरल कियानी से या फौज की टो को टो नहीं करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बड़े अच्छे से आप कहते हैं कि आजकल ये कह रहे हैं कि इन द एंड 18 मार्च को सिविलियन को ले आएंगे, मेरा नहीं ख्याल, और पहले तो मैं 51% कहता था, मुझे शक है चौधरी निसार के बयानों के बाद ये मैं कि शायद 60% पाशा ही कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। अब जनरल क्योंकि चौधरी निसार भी एक आर्मी बैकग्राउंड से तल्लक रखता है, उसके भी भांजे तो वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट में जाएंगे कुछ सबूतों के साथ, और रहमान मलिक का मैंने जिक्र किया ना, उन्होंने कहा आगे सारे जो कोर्ट को शिकायत लगाई जनरल, और जिस असेंबली में आसमान लोग ताड़ियां मारते हैं और जबरदस्त वजीर आजम है, बले बले तुमने सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे मारा कि मैंने नहीं लिख के दे रहा, उस असेंबली की कोई कानूनी आईनी शर्म कोई इज्जत वकार है जिसको लोगों ने क्लैपिंग की है जी बड़ा आपने डट के, और केस क्या था जी कि 60 मिलियन गरीबों का पैसा है, लोगों का पैसा है, हर चोर चोर की निगाहदाश्त कर रहा है, यहाँ हर चोर चोर के पीछे है, हर चोर जो है वो चोर के इंटरेस्ट को वाच कर रहा है, मैंने दो प्रोग्राम करने हैं, पैसे लेके करने हैं, मुफ्त अच्छा। नहीं करूंगा किसी, कितने पैसे लेंगे, आप भी पैसे लेंगे, क्यों नहीं लूंगा, आपको इश्तारों के मिलते हैं, मैं नहीं लूंगा, मैंने पार्टी नहीं चलानी, इस तरह नहीं सरेआम नहीं बार्गेन करूंगा, एक अडियाला जेल पे करूंगा कि जितने लोग ये अंदर थे और कौन कौन था, डॉलरों के केस में कौन था, ड्रग के केस में कौन था, असला का इंटरनेशनल डीलर कहां कौन था, ये सारे लोग कहां लगे, कितने मुख मका हुए। दूसरा प्रोग्राम मैं ये 40-50 बच्चों पे करूंगा, कंप्यूटराइज्ड चोरों पे, जो ख्याल था बापों ने दौलत कमाई है ये ठिकाने लगा रहे हैं, बिलआखिर इस मुल्क में हम लोग खत्म हो जाएंगे, हमारी कोई सियासत नहीं रहे, हम चैनलों के काबल रह जाएंगे, हमारे पास कहां से पैसे आएंगे कि हम जलसे करेंगे, कहां से हमारे पास पैसे आएंगे, 1 करोड़ रुपया एक जलसा गाह पे लग रहा है और खुदकुश हमले का अलग खतरा है, वो खतरा वो बोनस में अहम केसेस पे आ जाते हैं। असगर खान पिटिशन में आप भी उस वक्त उन राहदारियों में मौजूद थे, बहुत से लोगों ने पैसे लिए, तो ये असगर खान पिटिशन क्या क्या असर अंदाज होगा पाकिस्तानी सियासत पे, और बड़े बड़े जो जिनके नाम है क्या वो किसी पकड़ में आएंगे या नहीं आएंगे? जिस एंकर को, जिस साफी को इनिशियल स्टेजेस पर मावारियां महीने के खर्चे आईएसआई ने दी, बिल अखर वो आईएसआई के गले पड़े, जिस सियासतदान को आईएसआई ने माल लगाया, जिस सियासतदान को आईएसआई ने समझा कि ये मेरा टूल है, वक्त आने पर उसने समझा कि मैं बुद्धा हूं सियासत का, वो आईएसआई के गले पड़ा। खुदा के लिए आईएसआई में अगर कोई सोच समझ आया, वो सारे लोग जो 8-8, 10-10 हजार रुपए मावार पेमेंट पे रोल पे थे, वो आज लाखों के प्रोग्राम कर रहे हैं, वो उनके गले पड़े हुए हैं, अब उनके गले पड़े हुए हैं, पड़ गए। लेकिन ये ईमानदारी से अगर हमें ये बता दें, आज भी पाकिस्तान की सियासत में आईएसआई और फौज का किरदार आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे अभी भी? देखें, जब सियासतदान का मियार ये हो के 10 करोड़ रुपया जाए, और मैं समझता हूं कि मुझे बड़ी जबरदस्त रिजर्वेशन है, सत्तू पिए हुए हैं इन लोगों ने, ये होम्योपैथिक जर्नैल हैं, मौजूदा जर्नैल जो हैं, अगर कोई देखे, एक जर्नल ने मुझे कहा कि होम्योपैथिक कौन होता है, मैंने जान बचाने के लिए कहा जो क्लीन शेव होता है, जो मूछों वाला है, मैंने कहा वो होम्योपैथिक नहीं है, वो हंस पड़े जनरल साहब, अभी मैं था कल परसों कोई जर्नल मुझे मिले, उन्होंने कहा जी आप हमें कहते हैं सत्तू पिए, मैंने कहा आपने धनिया पिया हुआ, लूट मार लगी हुई, ये नहीं कहता कि आप आए, आप इनको कहें बंदे के पुत्र बनो भाई, आप इतने ही रह गए हैं, आपके रिंग पिस्टन इतने बैठ गए हैं, आपका बोनट इतना खुल गया, आपका इंजन इतना धुआं देने लग गया, किसी और को मौका दो, किसी और को मौका दो, इस मुल्क की तबाही में बहुत देर की तो आप लोग भी तबाह हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, आप कह रहे हैं किसी और को मौका दें, आज ही प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमने सेनेट में इतनी आधी कामयाबी हासिल कर ली, तब्दीली लाने वालों को अब हमारे पास चल कर आना पड़ेगा, तो आप कह रहे हैं कि किसी और को मौका दें, गिव फुल मार्क्स टू, मैं तो हर प्रोग्राम में मियां साहब को समझाता हूं कि आप बहुत सादा आदमी है, आप शहीद बेनजीर भुट्टो के साथ सियासत करते रहे, ये आसफ जरदारी है, 13-12 खाने के बावजूद आपको, मैं तो 2 दफा मिला तो तीसरी दफा मैंने कहा सर जी मेरे से बड़ा केस है ये, मुझे उन्होंने कहा ये साथ का दफ्तर भी शेख रशीद आपका है, मैं कहा मेरे लिए लाल वेली बड़ी है, मैंने अच्छा। मैंने 7-8 वजारतें कुट ली हैं रज के, सो अब आदमी तो कभी मुतमिन नहीं होता,
हमारे जैसा बाबड़ा खाने का, जिसके वालिद का, खानदान का कोई तारफ ना हो, 7-8 वजारतें कर ले, उसे मुतमिन हो जाना चाहिए। हम तो इसलिए सियासी तौर पर जिंदा हुए कि ये चोरों के, कब्जा ग्रुपों के, परचू जुआ के, ड्रग माफिया के 5000 केजी इन्होंने पाउडर का लाइसेंस दिया। 5000 केजी किन्होंने लाइसेंस दिया पाउडर का? ऑफ कोर्स यूसुफ रजा गिलानी ने। अच्छा, सारे के सारे पाउडरियों को ये लाइसेंस? नट पाउडरी, ये नशे की गोलियों का। और वो कहां गया? ये फौज को नजर होनी चाहिए, आईएसआई का ये काम होना चाहिए कि नेशन को तबाह करने के लिए क्या काम हो रहा है। अभी आईएसआई क्या कर रही है, सियासत में इन्वॉल्व है या ये बाकी? देखें, मैं ये समझता हूं, देखें अब इस मुल्क में दो ही जगह पे प्रेशर है ज्यादा, या अदलिया पे। अदलिया ने 29-30 फैसले दिए हैं। अदलिया कहती है नहीं, हम जमहूरियत के लिए जनाब अली और जनरल अपना चौधरी इफ्तखार साहब, चीफ जस्टिस साहब वहां जाते हैं डिफेंस कॉलेज में, जिसने आर्टिकल, जिसने आइन को रोंदा, आर्टिकल 6 लगेगा। पर ये पीरा देता है एसएचओ, तो नहीं इनको निकाल। लेकिन उसी पे चीफ जस्टिस साहब आज भी ये कह रही है कि सेनेट के इलेक्शंस अच्छे हुए, ठीक हुए, लेकिन हमने देखा कि उसमें हॉर्स ट्रेडिंग, सियासी जमातें कह रही हैं, हम नहीं कह रहे, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, लोटाक्रेसी हुई, 65 करोड़ रुपए एक एक वोट के लिए दिए गए, कुछ के एमपीएस भाग गए, वोट उन्होंने नहीं किया, कुछ को कहा गया जी पर्चियां आप दिखाएं, तो फिर बाकी साफ शफाफ थे सेनेट के इलेक्शन। देखें, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये तौहीन है जमहूरियत की। अगर जमहूरियत का नाम ये जमहूरियत है, अगर जमहूरियत 5 खानदानों की गुलामी का नाम है, अगर जमहूरियत माल बना के दोबारा शर्मिंदा होने बगैर बेशर्म होके आंखें दिखाने का नाम है, अगर जमहूरियत सुप्रीम कोर्ट को चढ़ाने का नाम है, अगर जमहूरियत जो है पाकिस्तान के 18 करोड़ लोगों पर जो बिजली, तेल, घी रेट 1300 से, अगर कोई हुकूमत सुन रही है तो मेरी जबान को समझने की कोशिश करें, सिर्फ दालों का रेट 1000 रुपए मन से ज्यादा इस 7 दिन में बढ़ा है। इन्होंने तो विटामिन सी की गोलियों का फक्का खाना होता है ना, जिसने चने की दाल से सुबह एनर्जी लेनी है, उसका 1200-1300 रुपए मन दाल का भाव बढ़ा है। तो आम आदमी के लिए यहाँ पे इस आम आदमी गैरत खाए और बगैरतों से निजात पाए, वरना उनका मुकद्दर यही है। आप घर बैठ जाए, आम आदमी का मुकद्दर फिर यही होगा कि ऐसे करप्ट जो हुक्मरान है उन पर मुसलत होंगे। पाकिस्तानी सियासत पे हम इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो सेनेट के इलेक्शन हुए उस पर बलोचिस्तान का जिक्र करेंगे, और जो भईता शाह ने एक जो थप्पड़ मारा एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, वो कोर्ट का कहना है कि उन्होंने स्टेट के मुंह पे ये थप्पड़ मारा, इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। जैसे हमने जिक्र किया था कि ज़िमनी इलेक्शन में वहीदा शाह का थप्पड़ जो शायद स्टेट के मुंह पे उन्होंने मारा, हॉर्स ट्रेडिंग, सेनेट के इलेक्शंस में धांधली, पैसा बेतहाशा करोड़ों के हिसाब से बहाया गया, तो क्या ये जनरल इलेक्शंस का एक छोटा सा सीन हमने छोटे से क्लिप्स की सूरत में देखा कि जनरल इलेक्शंस भी पाकिस्तान में ऐसे होगा? शेख साहब का कहना है 1 करोड़ एक जलसे के लिए चाहिए, तो आम आदमी तो ऐसा बड़ा जलसा नहीं कर सकता, तो अगर इतना पैसा लगेगा जनरल इलेक्शंस में तो फिर आप कैसे जीतेंगे? जीतेंगे हम इंशाल्लाह, अल्लाह से पूरी उम्मीद है, बहुत दूर जीतेंगे। वहीदा शाह कौम की बेटी है, और देखें ज़िमनी इलेक्शन में इस कौम ने, किसी को नहीं पता कि मूसा गिलानी चोर जीता है या ईसा गिलानी जीता है या कोई डाकू जीता है या कोई चोर जीता है या कोई जेब तराश जीता है। वहीदा शाह के साथ सारी कौम की हमदर्दी है। वो सिंध की बेटी है, कौम की बेटी है, और यकीनन वो सिंध में नहीं रह सकती उनके खिलाफ बयान देके। देखें ये लोग जो हैं बातें इतनी करते हैं। वहीदा शाह ने थप्पड़ मारा था, वहीदा शाह ने थप्पड़ मारा ना जिस पोलिंग एजेंट, जाहिर है वो हलाल की कमाई से ग्रेजुएट हुई होगी, वो किसी बड़े वडेरे की बेटी नहीं होगी, वो मजबूर होगी बेचारी बयान देने के लिए कि मैंने सुलह कर लिया। सुलह नहीं करेगी तो सिंध में जिंदा रहेगी, डाकू राज में जिंदा रहेगी। इस इलेक्शन में इतना खून होगा, इतना खून होगा, ये उठा के ले जाएंगे लोगों को। मुझे याद है फौज को कराने चाहिए इलेक्शन, मुझे याद है फौज को इलेक्शन कराने चाहिए। फौज, मेरी आप बात नहीं सुन रही जी। मैं इतनी बड़ी खबर दे रहा हूँ कि इस मुल्क में गैर जानबदाराना इलेक्शन फौज को कराने चाहिए, वरना खून खराबा होगा। यही स्टेटमेंट में जो बात जिक्र करना चाह रही, मुझे याद है 2008 में जब इलेक्शंस होने थे, मैंने जब आपका इंटरव्यू किया एक प्रोग्राम में, तो आपने उस वक्त भी कहा था कि इस इलेक्शन में बड़ा खून खराबा देख रहा हूँ, बीबी की असैसिनेशन हो गई, बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, तो ये इलेक्शन भी आपको खूनी नजर, वो इलेक्शन में एक लीडर गई, इस इलेक्शन में आपके सामने बैठे हैं तो अल्लाह की कोई अनायत से बैठे हैं ना, वरना तो हम वो लाशें हैं जो अपने कंधे पे लिए फिर रहे हैं। कल शेरपाव साहब के पास तीसरा हमला हुआ है, हम 4-4 हमलों से बच चुके हैं, बड़े लोग तो बैंकर में बैठे हैं,
वो ऊपर से झंडी लहराते हैं कि सारे के सारे वोट जो हैं ये जिमनी इलेक्शन हमने नहीं आ रहा, खुदा की कसम नहीं आ रहा, लेकिन हमारी 5 लाशें गिर चुकी थी। अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे और हम स्टैंड लेते, 87 कैमरों को लाइसेंस दिए शेख रशीद ने, एक कैमरे में जरूरत नहीं थी किसी पोलिंग स्टेशन में दाखिल होते, ये हमारी किटें लगा सकते। मैं जो कहना चाहता हूं, ये पोलिंग स्टेशनों से देहातों में लोगों को उठा ले जाएंगे, ये डकैत राज है। इस मुल्क में फिर जो कू होगी, फिर कू होगी, उससे बेहतर है कि चीफ जस्टिस साहब फौज की निगरानी में इस मुल्क में गैर जानबदारान इलेक्शन कराएं। ठीक, मेरे पास वक्त कम है और 2-3 अहम क्वेश्चंस हैं। एक तो जरा बलोचिस्तान के इशू पे आ जाएं। बलोचिस्तान मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें डराए ना गद्दारों से बलोचिस्तान में, कुछ नहीं होने जा रहा। जो आदमी उठता है जनाब, एक स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है, एक लंदन में बैठा हुआ है, 136 सरदार हैं, सिर्फ मैंगल या बुकटी और उनके वालदैन भी यहां हैं। अगर वजीर दाखिला साहब ने बात करनी है तो मैंगल साहब से कराची में करें, अताबख्श खैरबख्श मेरी साहब से करें, बलख शेर मजारी साहब से, उनके औलादों के पास ना जाएं, जमाली साहब के साथ करें, रिंद से करें, रईस सानी साहब से करें। सारी दुनिया में जितना तरक्यात का फंड बलोचिस्तान में जाया होता है, मैं समझता हूं कि इसकी दुनिया में कई मिसाल नहीं है, और हमें डराए नहीं, कुछ नहीं होने जा रहा बलोचिस्तान में अगले इलेक्शन। और हर जगह लोग निकलते हैं, हर जगह नौजवानों को लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ इनके नहीं, दिल जीतने चाहिए, इनके मिसिंग पर्सन वापस होने चाहिए, इनकी मशक्शुदा लाशें नहीं होनी चाहिए। अगर मरकज में आ जाते हैं, मैं कहता हूँ आलमी जंग होगी बलोचिस्तान में अगर किसी ने ताकत का इस्तेमाल किया गैर मुल्की। अहम बात आप कर रहे हैं बलोचिस्तान के हवाले से, जरा मरकज में आ जाते हैं। क्या सदर जरदारी, ऐसी खबरें हैं सेनेट में मेजोरिटी हो गई, नेशनल असेंबली में कोलिशन पार्टनर्स उनके साथ हैं, इन्हीं असेंबली से अभी मुस्ताफी होके दोबारा री इलेक्ट होंगे, दोबारा सदर बनेंगे परवेज मुशर्रफ की तरह जैसे ये वो बने। मुशर्रफ साहब ने भी गलती की थी, ये भी कर ले, आसफ जरदारी बहुत सयाना आदमी है, वो मंडी में फेंकता कुछ और है, वो मार्केट में ट्रक की बत्ती के पीछे सबको लगा देता है। मेरा यकीन है कि उसने मंडी में ये जानबूझ के बात फ्लोट किया, वैसा नहीं करेगा। ये सारे बंदे इस वक्त देखें, आज तक 4 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, किस आदमी ने असेंबली में उसको टफ टाइम दिया, किस आदमी ने बजट में आके, कई ऐसे असाज बजट हैं जिसमें उन्होंने नुकता एतराज भी दाखिल नहीं किया। ये कौम के सामने किस लिए वोटें मांगने जाएंगे? इन लोगों ने पूरी सहूलत दी, मैं चैलेंज करके जा रहा हूं कि 18 और ये रजा रुबानी की आसफ जरदारी साहब शक्ल नहीं देखना चाहते थे, मैं कहता हूं एतजाज अहसन की शक्ल नहीं देखना चाहते। देखें कमाल का मास्टर प्रिंट है वो, कि जिसकी जब जरूरत होती है जितना इस्तेमाल करना होता है कर देता है और गार्बेज में फेंक देता है। मजीद रहेंगे सियासत में वो, पाकिस्तानी सियासत में, और सदर भी रहेंगे। देखा, अब तो पीपल्स पार्टी का मेन आदमी वो है, कौन है और पीछे? देखें पीपल्स पार्टी में अब शहीद बेनजीर भुट्टो की पार्टी नहीं है, खुदा के लिए पीपल्स पार्टी वाले ये समझें। देखे ना, ये आसफ जरदारी की पीपल्स पार्टी है, और ये सारे लोग शहीद का केस कह रहे हैं, शहीद का बीबी के कातिलों को क्या, बीबी के कातिल का खून तो जीभ के अंदर था, ये बाहर वाला केस कर रहे हैं कि धो दिया गया, खाना जंगी करवा देते शहर में। अगर शहीद बेनजीर भुट्टो का खून 7-8 दिन तक उस लियाकत मेरे लाल हवेली के संदेह, हमारी तो सारी जदादें जल गई, हमारे तो सारे ऑफिस जल गए, हम रिकवर ही नहीं कर सके, एक खाना जंगी का माहौल था शहर में। ये केस सिर्फ इसलिए जिंदा किया जा रहा है कि इलेक्शन में सिंध का मुंह भरा जाए, लेकिन खुदा के यहां देर है, कामयाब होंगे। मैं नहीं समझता लोगों में लहर उठेगी, मैं नाउमीद नहीं हूं, लोगों के अंदर इतनी उनके साथ हो रही है, इतनी उनके साथ ज्यादती हो रही है, मायूसी कुफ्र है, खुदा के यहां देर है अंधेर नहीं, ये जरूर पकड़ में आएंगे, और जो इनकी असली जगह है ये सारे वहीं जाएंगे। आखिरी बात मुख्तसरन 10 सेकंड मेरे पास, सुनामी के साथ जा रहे हैं आप? मैं किसी के साथ नहीं जा रहा, नहीं इत्तेहाद इलेक्शन, मैं सीट एडजस्टमेंट करूं, इत्तेहाद करूं, दोनों से मेरी बात, नून लीग और इमरान खान, लेकिन मैं किसी के साथ, पहले मैं इस महीने फैसला करना चाहता था, मैं टीवी में कह रहा हूं क्योंकि मुझे इनकी नीयत खराब नजर आती है, ये जल्दी इलेक्शन नहीं कराने जा रहे, नवाज शरीफ के साथ इन्होंने हाथ कर दिया है, इन सब लोगों के साथ इन्होंने हाथ कर दिया है, ये लेट इलेक्शन कराएंगे, मार्च में, अगले मार्च में चले जाएंगे इलेक्शन, मुमकिन है आप ठीक है, अगले मुमकिन है ये ठीक हो, तो फिर मेरे पास इतने वसायल नहीं कि मैं 1 साल तक कंपेन लॉन्च करूं, मैं भी अपना लियाकत बाग का जलसा 1 महीना आगे ले जा चले। बड़ी आम बात करें शेख रशीद साहब से, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू हुई, आपके फीडबैक का हमें फेसबुक पे इंतजार रहेगा, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं फेसबुक पे। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।